नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूर जैन हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम कुशल कार्डियक केयर। आपने आजकल देखा होगा, बहुत चर्चा चल रही है कि यंग लोगों में क्यों हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये चीज अभी से नहीं है, बस अभी कुछ एक्टर्स को आ गया इसलिए ये सब लाइमलाइट में आ रहा है। ये चीज तो काफी सालों से चलता आ रहा है। एंड यंग लोगों में आजकल हमने देखा है लास्ट वन डिकेड, मतलब लास्ट 10 सालों में, कि यंग लोगों में हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा बढ़ गया है। तो सबसे मेजर कारण है स्ट्रेस। ये आपने देखा होगा, ये होता है मेजरली अर्बन एरियाज में, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, ट्रैफिक में जाना है उसका स्ट्रेस, तो ये सब स्ट्रेस फैक्टर्स के कारण आपको ये यंग लोगों में हार्ट का ब्लॉकेजेस होने का चांसेस बहुत बढ़ गया है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है हैबिट्स, जैसे कि तंबाकू का सेवन। वो या तो आप सिगरेट या बीड़ी पीते होंगे या फिर तंबाकू खाते हैं, इससे हार्ट का ब्लॉकेज बहुत फास्ट बनता है। तो अगर आपका हार्ट रेट ऐसा है स्टार्टिंग में बिना ब्लॉकेज का, वो धीरे 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 उसमें ब्लॉकेज बढ़ता जाता है और हार्ट रेट ऐसा हो जाता है, तो ये ब्लॉकेज उसमें तैयार हो जाता है, मतलब हार्ट को ब्लड कम जाएगा, इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलने से सांस फूलना, सीने में दर्द, ये सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं। ये हैबिट्स में एक है टोबैको हो गया, दूसरा जंक फूड। जंक फूड का सेवन बहुत ज्यादा हो गया है, चीज का सेवन बहुत ज्यादा हो गया है, लोग सात्विक भोजन नहीं लेते हैं, नॉनवेज बहुत ज्यादा अगर खाते हैं तो भी ये तकलीफ होता है, स्पेशली रेड मीट। तो आपको अपना डाइट भी बहुत चेंज करना पड़ेगा, ये कारण है यंग लोगों में आने का। तीसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल जैसे पहले के लोग बहुत ज्यादा चलते थे, आजकल तो कोई सब्जी लेने भी जाना है तो आप कार निकालोगे या आपकी बाइक निकालोगे और जाओगे सब्जी लेने के लिए। सो वॉकिंग इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा जैसे ही बढ़ता है तो वो रिस्क फैक्टर होता है ब्लॉकेजेस बढ़ने के लिए और हार्ट अटैक आ सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ वीडियोज भी अभी देखा होगा, जैसे जिम के बाद कुछ यंग लोगों का भी डेथ हुआ है हार्ट अटैक और सडन अरिथमिया के कारण। इसका कारण है सडनली बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करना खुद को, प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन अगर नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपको जिम के बाद हो सकता है, अगर आप एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हो विदाउट इनफ वार्म अप एंड कूल डाउन। तो आपने क्या करना चाहिए ये सब प्रिवेंट करने के लिए? सबसे पहला जो मैंने बताया था इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेस बस्टर्स ढूंढिए अपने लिए। हर चीज़ का स्ट्रेस लेके यू कैन नॉट इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। आपको स्ट्रेस बस्टर्स यूज़ करना चाहिए, जैसे कि योगासनास, प्राणायाम, ध्यान करना या जस्ट स्पिरिचुअली अपने भगवान की पूजा करना फॉर 10-15 मिनट्स पर डे। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और इससे आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क भी कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। सेकंड चेंज ऑफ हैबिट्स, टोबैको को आज आपको बंद करना है। तंबाकू का ऐसे नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक आता है, तंबाकू खाने से नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये जहर है, किस तरह भी आप खाइए, या तो आप सिगरेट के जरिए लंग्स में लीजिए या फिर आप तंबाकू खाइए, वो आपके ब्लॉकेजेस को बढ़ाएगा ही और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थर्ड थिंग है आपके फूड हैबिट्स, तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए और नॉनवेज कम करना चाहिए अपने सेवन में, स्पेशली रेड मीट। जंक फूड अवॉइड कीजिए। थर्ड पॉइंट था एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो आपको एडिक्वेट एक्सरसाइज, ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 30 से 1 घंटा वॉकिंग डेली एट अ गुड स्पीड एंड या फिर जॉगिंग या स्विमिंग या फिर साइकिलिंग, कोई भी आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आपका मोटापा भी कम होता है एंड हार्ट अटैक आने का रिस्क कम होता है। एंड द फोर्थ थिंग विच वी डिस्कस्ड वॉज अबाउट एग्रेसिव एक्सरसाइज, तो जो भी लोग यंग लोग जिम जाते हैं, अवॉइड टेकिंग दोज हेवी प्रोटीन पाउडर्स एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स जिसका सेफ्टी अब तक प्रूवन नहीं है। तो आप जब भी सेवन करते हैं तो इसका FDA अप्रूवल है कि नहीं देखना चाहिए आपको। दूसरा, एक्सरसाइज जब भी करते हैं तो बहुत अच्छा वार्म अप करना ज़रूरी है। अगर आप 30 मिनट चल रहे हो ट्रेडमिल पे तो पहला 5 मिनट आपका वार्म अप होना चाहिए कम स्पीड पे, फिर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। एंड उतना ही इंपॉर्टेंट कूल डाउन भी है, क्योंकि जब आप वार्म अप किए बिना एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है एंड हार्ट रेट बहुत अचानक बढ़ जाता है, उससे जो प्लाक्स होते हैं मतलब जो ब्लॉकेजेस होते हैं दे कैन रप्चर और हार्ट अटैक आ सकता है खून की गुठली बनने से। वो वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि वो इंसान जो भी जिम के बाद जिनका वहाँ
डेथ हो गया, उन्होंने हेल्प नहीं लिया किसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक। आप घर पे हो, आप कहीं भी हो, अगर आपको सीने में दर्द कर रहा है 15 मिनट से ज़्यादा, या फिर आपको साथ में पसीना आ रहा है, बहुत तेज चक्कर आ रहा है, सांस फूलने के लिए सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सांस फूल रही है, या आपको गिरने से आप फेंट हो गए हो, तो आजू बाजू कोई देखता है ऐसे इंसान को, तो उन्होंने हेल्प करना चाहिए। और सबसे फर्स्ट थिंग, आपने नियरेस्ट कोई भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए, ताकि आपका ECG हो सके, आपका ट्रीटमेंट हो सके। फर्स्ट इज कॉल फॉर हेल्प। आप अपने फ्रेंड को फ़ोन कीजिए, घर वालों को फ़ोन कीजिए, किसी को भी फ़ोन कीजिए, सो दैट दे कैन टेक यू टू द नियरेस्ट हेल्प अवेलेबल। घर में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। टैबलेट डिस्प्रिन बहुत कॉमन टैबलेट है, ओवर द काउंटर मिलती है, सबके घर में होनी चाहिए। जब ऐसा लगता है कि 15 मिनट से ऊपर पेन हो रहा है, तो डिस्प्रिन को खा जाना चाहिए पानी में डाल के। दूसरा चीज़ है टैबलेट सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट आता है 5 मिलीग्राम का। ये ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से पूछने के बाद आपने देना चाहिए, लेकिन अपने घर पे होना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलेंगे तो उसको जबान के नीचे रखेंगे, उससे आपको हॉस्पिटल पहुँचने के लिए टाइम मिल जाता है। तो ये दो चीज़ होना आपके घर में बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉल फॉर हेल्प वेन एवर यू फेस चेस्ट पेन। और ये भी जानना ज़रूरी है कि सिर्फ सीने में दर्द नहीं करता है हार्ट अटैक से, सीने में कर सकता है, शोल्डर्स में कर सकता है, गर्दन में कर सकता है, जॉ में कर सकता है, आर्म्स में कर सकता है, बैक में कर सकता है, तो एपिगैस्ट्रियम में कर सकता है, यहाँ तो अम्बिलिकस के ऊपर कहीं भी दर्द एक्चुअली हो सकता है हार्ट अटैक से। आर्म्स में मेजरली लेफ्ट आर्म में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट पेन चेस्ट में होगा, अगर सीने में दर्द होगा तो ही आपको हार्ट अटैक, ऐसा नहीं है। काफ़ी अलग अलग जगहों से हार्ट चेस्ट पेन हो, आपको पेन हो सकता है हार्ट का, एंड दैट कैन बी अर्ली साइंस। बहुत से लोगों को तो काफ़ी टाइम से सांस फूलता रहता है, बट दे नेवर शो अ डॉक्टर, तो आई विल कम टू दैट। फॉर मी आई थिंक इंडिया में हार्ट का डिजीज एक डिकेड अर्ली आता है कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो 40 की उम्र के बाद एक साल में या हर दो साल में अपना कार्डियक चेकअप कराना चाहिए, जिसमें 2D एको मतलब हार्ट का सोनोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमेंट टेस्ट, ये दोनों चीज़ होता है। मोर इम्पॉर्टेंट इज ट्रेडमेंट टेस्ट, विच कैन फाइंड आउट कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है कि नहीं है। तो ये ज़रूर आपको अपने पास वाले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है 40 की उम्र के बाद, एटलीस्ट 50 की उम्र के बाद, एवरी 1 ईयर और 2 ईयर्स यू शुड गेट योर हेल्थ चेकअप। थैंक यू।